जय जोहार, स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आप मन के संग में गंगोत्री। तो चला खबर मन ला देखबो विस्तार ले। बिलासपुर बिल्हा के पिरैया गांव के निवासी कृष्ण प्रसाद के घर पाछू बरसात के मौसम में ज्यादा पानी गिरे ले पूरा टूट चुके हैं, जेकर ले पूरा परिवार बेघर हो गए। कृष्ण प्रसाद अपन पत्नी संग छोटे छोटे 5 लड़का मन लेके झिल्ली पन्नी के घर में रहे बर मजबूर है। टूटे फूटे घर में लड़का मन पढ़ाई करे बर मजबूर है। अपन परिवार ला सुरक्षित रखे और गुजर बसर करे बर गाँव में ही अपन समाज ले गुहार लगाई। समाज और गाँव वाला मन सरपंच ले चर्चा करके सामाजिक भवन ला रहे बर दिए है। पूरा परिवार 7 महीना ले गाँव के ही सामाजिक भवन में अस्थायी रूप ले हवा। सरपंच और पटवारी द्वारा घर टूटे के जांच करे गए रहिस, फिर जांच के बाद ले अभी तक न तो प्रशासन द्वारा उचित मुआवजा मिल सके है और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास के लाभ मिल पाते। जेकर बर कृष्ण प्रसाद मीडिया के द्वारा अपन समस्या के समाधान बर और टूटे घर के मुआवजा के मांग बरसात में मकान टूटे हवा और ये झोपड़ी में रहन गरीबन आवास के मांग करे हन और पटवारी मना रहीस देख के ले गए हवा देख ताक के और 5-6 भाई बहनी होथन पढ़त लिखत हवन नहीं गुजारा करत हन। अब हमारे घर द्वार तो पानी पूरा बहा गए है, 8-7 महीना हो गए लोग के लोग लिखे नहीं पढ़त। 7 जन हन हमन सब परिवार सब लोग लिखे नहीं पढ़त हवा और आवास योजना में हमारे सरकार देत नहीं है। अधिकारी मन पटवारी उठारी मन लिख के ले गए हैं और वही गिरी तेने दिन है 2-4 दिन के पहले है साल में बरसात में। तो क्या बोल रहे थे? अब वो कुछ नहीं बोले, लिख ला के ले गए सरपंचो रही से भाई लिख के ले गए है। अब मिल ही कुछ कहा था, अब आपका दिन तो हो गया कुछ नहीं मिले आज ले। 5 जन वो लोग ले कहे अब घर है फूट गई है पूरा में, अब कुछ नहीं व्यवस्था। अब बरसात में फिर कहाँ जाओ।